वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बी सेकेंड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। पेपर कोड है आपका A215। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, या 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था, दोनों ही एक ही बात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट, यहाँ पर टंका नामक सिक्का किसने चलाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने, टंका नामक सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट, यहाँ पर बलबन के दो राजत्व सिद्धांत बताइए। तो बलबन के दो राजत्व सिद्धांत है, जिनमें पहला है बलबन ने राजत्व के सिद्धांत निश्चित कर दिए, जैसे राजा के देवी अधिकार, निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारिता, ताज की प्रतिष्ठा आदि। दूसरा है उसने शासन में रक्त तथा लोह नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट है घोड़े दागने और सैनिक हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की, इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल बताइए। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक, यह गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था। नेक्स्ट, यहाँ पर इब्न बतूता कौन था, इसका उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता एक अरब यात्री, विद्वान और एक महान लेखक था। वह मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लोधी वंश का संस्थापक कौन था, इसका उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी का शासनकाल बताइए। तो इब्राहिम लोधी का शासनकाल था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लोधी वंश के पतन के दो कारण बताइए। तो लोधी वंश के पतन के दो कारण थे, पहला है कमजोर प्रशासन, दूसरा है उत्तराधिकार का युद्ध। ये दो कारण थे लोधी वंश के पतन के। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका सेक्शन बे आ जाता है, जिसमें आपके विस्तृत रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्या आप इस बात से सहमत है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, अथवा में पूछा गया है बलबन की उपलब्धियाँ बताइए। नेक्स्ट में आपका सेक्शन सी आ जाता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार बताइए, अथवा में पूछा गया है, आपको इनमें से एक का ही उत्तर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएँ एवं उनके परिणाम बताइए। सेक्शन डी आ जाता है, अपन क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों को वर्णन कीजिए, अथवा में पूछा गया है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सेक्शन ई आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अथवा में पूछा गया है दिल्ली सल्तनत के कुलीन अभिजात वर्ग पर प्रस्ताव लिखिए। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर 2023 में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का भरीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है, क्योंकि इतिहास में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर रिपीट होकर आते हैं। प्रीवियस ईयर से लगातार कई वर्षों से क्वेश्चन रिपीट जरूर होकर आ रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करके जाने हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।